we're going to discuss about rounding off to the nearest 10, 100 and 1000. So, इसे समझने के लिए सबसे पहले हमें एक एग्जाम्पल लेना होगा. सो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं. सपोज मैंने लिया 147. हमें सबसे पहले एक बात ध्यान में रखनी है कि हमें अगर राउंडिंग ऑफ 10, नियरेस्ट 10, 100 एंड 1000 निकालना है तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि किसके नियरेस्ट हमें निकालना है. अगर हमें 10 के नियरेस्ट निकालना है तो हम ये जो लास्ट वाला डिजिट है, ये जो वंस प्लेस वाली वैल्यू है, इसको देखना होगा. अगर 100 राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट 100 निकालना है तो हमें जो 10 प्लेस वाली वैल्यू है उसको देखना होगा. अगर हमें 1000 निकालना है, सपोज हमें 1000 निकालना है और मैं यहाँ पे 2 और ले लेती हूँ, तो हमें जो 100 प्लेस वाली वैल्यू है उसको देखना होगा. ओके, सो फर्स्टली हम निकालते हैं राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 10 निकालते हैं. ठीक है, राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट 10. सेम एग्जांपल लेते हैं हम 147. मैंने आपको बताया कि राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट 10 निकालना है तो सबसे पहले हमें लास्ट वाली डिजिट को देखना है. यहाँ पे हम लास्ट वाली डिजिट को देखते हैं, क्या है हमारा 7. हमें ये देखना है कि जो लास्ट वाली डिजिट है वो 5 से ग्रेटर देन है या लेस देन है. ठीक है, 7 है हमारी, जैसे 7 है, 7 हमारी क्या है, 7 हमारी ग्रेटर देन है, सॉरी ग्रेटर देन है 5 से. ओके, ग्रेटर देन है 5 से, तो हम क्या करेंगे, ये जो 10 प्लेस वाली वैल्यू है इसमें हम क्या करेंगे, एड 1. अगर हमारी ये 1 प्लेस वाली वैल्यू 5 से ग्रेटर देन है तो हम इसमें ऐड करेंगे, अदरवाइज हम इसमें कुछ ऐड नहीं करेंगे, इसको सेम एज इट इज रखेंगे. ओके, तो अब हमें 7 से ग्रेटर देन है, इसमें हमने 1 ऐड कर दिया, 1 में ऐड करेंगे तो 4 में 1 ऐड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा. ओके, और जो ये प्लेस वाली वैल्यू है ये हमारी रहेगी सेम. ठीक है, यहाँ हमारा हो गया 5, और जो ये प्लेस वाली वैल्यू है हमारी जैसे 7, इसको हम क्या बना देंगे, 0. इसको क्या बना देंगे हम, 0. तो ये क्या आ जाएगा, 0. तो आंसर इज 150. ओके, हम इसे रिपीट करते हैं एक बार, और हमें क्या निकालना है, राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट 10 निकालना है. 10 निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या देखेंगे, वंस प्लेस वाली डिजिट देखेंगे. ओके, ये देखेंगे कि ये 5 से ग्रेटर देन है या लेस देन. अगर ये वैल्यू 5 से बड़ी है तो हम क्या करेंगे, जो हमारी 10 प्लेस वाली वैल्यू है उसमें क्या करेंगे, 1 ऐड करेंगे. हमने 1 ऐड कर दिया, 4 में क्या आ गया हमारा, 5. और जो ये 100 प्लेस वाली वैल्यू है इसको क्या रखेंगे हम, एज इट इज रखेंगे. ओके, 1 एज इट इज है हमारा, 4 में हमने 1 ऐड कर दिया, 5. और जो ये 7 है इसको हम क्या बना देंगे, 0 बना देंगे. तो आंसर इज 150. अब निकालते हैं हम राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट 100. हम सेम एग्जांपल लेते हैं 147. ओके, अब नियरेस्ट 100 निकालना है हमें, तो उसके लिए हम मैंने आपको बताया था उसके, इसलिए क्या देखेंगे, 10 प्लेस वाली वैल्यू को हम देखेंगे. ये 1 है, ये 10 है और ये 100 है. हमें निकालना है नियरेस्ट 100, तो हम क्या देखेंगे, 10 प्लेस वाली वैल्यू को हम देखेंगे. हमारा क्या है, 4 है. मैंने आपको बताया था कि अगर 10 कोई भी प्लेस नियरेस्ट राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट 10, 100 और 1000 निकालते हैं तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि जो हमारी डिजिट है वो 5 से ग्रेटर देन है या लेस देन है. यहाँ हमारा है 4. 4 हमारा क्या है, लेस देन है 5 से. ठीक है, अगर ये हमारी वैल्यू है जो लेस देन 5 है तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम इसमें ना तो ऐड करेंगे और ना ही कुछ लेस करेंगे. इसको हम क्या रखेंगे, एज इट इज रखेंगे, 1. ठीक है, और इस 4 को हम क्या बना देंगे, 0. जैसे 10 की जो हमने निकाला था नियरेस्ट 10, तो हमने 7 को 0 बना दिया था. इसी तरह हम क्या करेंगे, 4 को भी 0 बना देंगे और क्या बना देंगे, 7 को भी 0 बना देंगे. तो हमारा क्या हो जाएगा, 100. तो ये किसके नियरेस्ट, राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट 100 हम इस नंबर का निकालेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 100 आएगा. ओके, नेक्स्ट है हमारा राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 1000. हमने 10 का देखा है, 100 का देखा है, हम 1000 का देखते हैं. हम कोई नंबर लेते हैं, 2147 ही लेते हैं हम. ओके, ये हमारी 1s है, ये 10s है, ये 100 है और ये हमारी 10,000 है. ओके, हमें निकालना है 1000. ओके, तो हम 1000 निकालना था, हम क्या देखेंगे, 100 प्लेस वाली वैल्यू वही सेम देखेंगे हम, 5 से ग्रेटर देन है या लेस देन है. 1 है हमारा, 5 से क्या है, लेस देन है. तो हम क्या करेंगे, ये हमारी क्या रहेगी, एज इट इज रहेगी, सेम रहेगी. तो ये हमारा 2
एज इट इज आ जाएगा ओके। और ये वन है हमारा, ये क्या हो जाएगा हमारा जीरो, क्योंकि ये फाइव से क्या है लेस देन है। अगर फाइव से ग्रेटर देन होता तो हमारा क्या हो जाता, इसमें वन एड हो जाता और ये जो हमारे नंबर है क्या हो जाते, ये जीरो हो जाते। तो हम इसको अब क्या करेंगे, जीरो। तो राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट अगर 1000 निकालेंगे इस नंबर का, तो हमारा आंसर क्या आएगा 2000। ओके okay?